सेना सिद्धार्थ ने की इंटरनेशनल आइकॉनिक अवार्ड के फाउंडर संग बदतमीजी, वायरल हुए चैट के स्क्रीनशॉट। बिग बॉस 13 की मोस्ट फेवरेट जोड़ी शहनाज गिल और सिद्धार्थ शुक्ला इन दिनों काफी चर्चा में आ गए हैं। सिद्धार्थ और शहनाज पर इंटरनेशनल आइकॉनिक अवार्ड के फाउंडर ने बदतमीजी करने का आरोप लगाया। हाल ही में इस अवार्ड शो के एक मेंबर ने इंस्टा पर लाइव आकर एक इंटरव्यू में शहनाज को लेकर काफी बातें बोली। उन्होंने कहा कि सिद्धार्थ और शहनाज ने उनसे लाइव पर आने और पोस्ट करने के लिए पैसे की मांग की। मेंबर ने कहा कि चाहे सिद्धार्थ ने लाइव आने के लिए पैसे नहीं मांगे हो, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर एक से ज्यादा पोस्ट करने हैं तो मैं आपसे पैसे लूंगा। वहीं शहनाज ने लाइव पर आने के लिए पैसे मांगे। मेंबर ने आगे कहा कि ये लोग क्या प्रमोट कर रहे हैं जो ऐसी डिमांड कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो जो नॉमिनेटेड हैं सब ने अपने इंस्टा पर पोस्ट किया, लेकिन इन दोनों ने ऐसा नहीं किया। सो फाउंडर ने कहा कि अगर ये दोनों इस अवार्ड शो का हिस्सा बनते हैं तो मैं अवार्ड सेरेमनी में नहीं आऊँगा। फाउंडर का वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। इस वीडियो के अलावा इंटरनेशनल आइकॉनिक अवार्ड ने अपने इंस्टा पर सिद्धार्थ और शहनाज की कुछ चैट शेयर की जो कि इंटरनेट पर काफ़ी वायरल हो रही है। बता दें कि इंटरनेशनल आइकॉनिक अवार्ड में सिद्धार्थ और शहनाज ही ऐसे कंटेस्टेंट हैं जिन्हें सबसे ज्यादा वोट मिले हैं। ऐसे में शो के फाउंडर का यह बयान काफी हैरान करने वाला है। वर्क फ्रंट की बात करें तो हाल ही में इस जोड़ी का म्यूजिक वीडियो एल्बम बुला दूंगा रिलीज हुआ, जिसे फैंस ने काफी पसंद किया। खबर अच्छी लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।